acceleration due to gravity. It is small g. It is denoted by small g. Now, देखिए, I am considering this is the surface of Earth. Capital M is the mass of Earth. And capital R is the radius of Earth. Earth का mass capital M है and Earth का radius capital R है. Now, Earth के surface पे एक object है जिसका mass है small m. This object is situated on the surface of Earth. अब अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो स्मॉल जी होता है. ओके, नाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? देखिए, वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट मतलब क्या होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस व्हाट? इट इज gravitational force. Gravitational force acting on it. Okay, कोई भी object का weight मतलब क्या होता है? उस पर जो gravitational force लगता है वो gravitational force मतलब weight होता है. Now weight of object means what? mg. अब वो जो object present है on the surface of earth उसका mass कितना है? m है. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g. सो m इनटू g कितना है वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहां पे निकालेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या? f इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. बराबर है? तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे मास को, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो ये लगेगा ऐसे, कैपिटल जी वैसे के वैसे आएगा. मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा उसका? कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ. डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस, क्योंकि ये सेंटर जो होता है ना, ये अंदर होता है अर्थ के. ओके, मतलब ये जो आपका अर्थ है ये सेंटर यहां पर है. बराबर है? और यहां से निकल के आपको okay, so what is happening here? ये जो object है इसका weight कितना है? इस object का weight जो है वो mg है. And इस object पे force कितना लग रहा है? Gravitational force, g m m divided by r का square. अब देखो, this m m will get cancelled, so small g equal to g m divided by r का square. Okay, so this is the formula for acceleration due to gravity on the surface of Earth. Yes, acceleration due to gravity on the surface of Earth. Okay, यहां पे देखिए, जो confusion बच्चों को generally होता है कि ये अर्थ जो हमने कंसीडर किया है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ का रेडियस आर है, एंड ये जो मास हमने अर्थ के ऊपर कंसीडर किया है, ये मास हमेशा ऑब्वियसली सेंटर से आर डिस्टेंस पे रहेगा ना, क्योंकि ये सरफेस पे है, अर्थ के अंदर थोड़ी है मास. सेंटर कहां पे है? अर्थ के अंदर होता है. सेंटर अर्थ के अंदर होता है. सो बाय डिफॉल्ट हर एक चीज में हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो अर्थ है नाउ देखिए ये अर्थ का सेंटर है. ओके, समझिए बात को आप. ये अर्थ का रेडियस है. कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ. ओके,
एंड अर्थ के ऊपर जो मास मैंने रखा है वो कम से कम कहाँ पे होगा, अर्थ के सरफेस पे, है ना, मतलब ये यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे भी बीच में दिखा सकता हूँ पर वो डिस्टेंस आर पे ही होगा, मतलब ये जो मास है कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, जो है स्मॉल एम। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना फोर्स होगा अर्थ एंड इस मास के बीच में, एफ इक्वल टू जी, पहला मास इंटू दूसरा मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है आर, सो आर का स्क्वायर। एंड इस मास का वेट कितना है, वेट मतलब क्या होता है, एम जी होता है, वेट मतलब क्या होता है, एम जी होता है। तो उस हिसाब से दिस वेट, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है उसने, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, एम एम कैंसल, सो जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, याद रखो मतलब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, आर होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, नाउ दिस जी इज कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ भी कॉन्स्टेंट होता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कॉन्स्टेंट होता है। अगर इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है आपको पता होगा, ये कितना आता है 9.8 आता है। ओके, सो यहां तक का कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। अब नेक्स्ट केस में समझो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है एट हाइट h, मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर, अर्थ का मास कैपिटल M, अर्थ का रेडियस R, ये अर्थ का सेंटर है। अब मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ का निकालना है, यहाँ का, इस पोजीशन का मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। यहाँ पे मैंने एक मास रखा है स्मॉल m। अब देखो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर से इसका डिस्टेंस देखो ये यहाँ तक r है एंड यहाँ से ऊपर कितना है, अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना है, h। नाउ इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का वेट मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब देखो वेट mg, वेट को क्या बोलूंगा मैं, mg। अब यहां का मुझे g का वैल्यू निकालना है, ये अर्थ के सरफेस का नहीं है, हाइट वाला है, अर्थ के सरफेस पे जी कितना है, जी है, और वहां से हाइट पे कितना है उसको हम बोलेंगे जी एच, इसलिए मैं इसको बोलूंगा एम जी एच। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे आएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है दोनों मास के बीच में, जी एम एम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर प्लस एच डिस्टेंस का स्क्वायर। सो वेट एंड दिस वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, एम एम वापस कैंसिल, सो जी एच इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कहां पे, एट हाइट h above the surface of earth, मतलब ये जो g का वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पे अलग होता है एंड अर्थ के सरफेस के अगर हम ऊपर गए तो g का वैल्यू चेंज होता है। सर, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, नाउ देखो हमने दो रिलेशंस देखे कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, एंड एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ये होगा जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस h स्क्वायर। ओके, I will say above
सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट h. ओके अगर हमने दोनों को डिवाइड किया तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन वन इक्वेशन टू. टू बाय वन करते हैं, टू डिवाइडेड बाय वन. सो जी एच बाय जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर. ये जी एच का वैल्यू यहाँ पे रखा है, डिवाइडेड बाय जी, डिवाइडेड बाय जी है मतलब उसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम. ओके सो ये जी एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. सो दिस जी एच बाय जी इक्वल टू व्हाट इज दिस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर. जी एच बाय जी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर. आई कैन राइट लाइक दिस जी एच इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी. ओके तो ये रिलेशन आप याद रखो, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगता है. सो आई गॉट हियर दिस जी एच इक्वल टू जी आर बाय आर प्लस एच स्क्वायर. ओके यहां पे देखिए ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ जो होता है जी आपको दिया जाएगा, ये कांस्टेंट होता है जनरली 9.8. रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होता है. मतलब सिर्फ मुझे हाइट का वैल्यू पता होना चाहिए h हाइट. ओके मतलब ये अर्थ का सरफेस है, ये सेंटर है, ये मास अर्थ का रेडियस r, बस अर्थ से ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है मुझे बताओ. तो उस पॉइंट का उस पोजीशन का मैं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल के दिखा सकता हूं. सिर्फ मुझे क्या पता होना चाहिए, हाइट यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लगभग कांस्टेंट ही है. सिर्फ मुझे क्या पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए. अगर हाइट आपको बताया गया क्वेश्चन में तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पोजिशन निकाल सकते हैं. इस टाइप का क्वेश्चनिंग हमेशा होता है. ओके या फिर आपको जी एच दिया जाएगा, आपको जी एच दिया जाएगा जी एच बाय जी आर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर. जी एच बाय जी आपको दिया जाएगा, आर आपको दिया जाएगा, आपको निकालना होगा एच. इस दो टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से. ओके ये दोनों भी टाइप पे क्वेश्चनिंग हो सकता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन. ओके दो बॉडीज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, फर्स्ट वन एम वन जिसका मास है, सेकंड वन एम टू जिसका मास है. दोनों के बीच में जो फोर्स है वो उसने बोला है 1 न्यूटन है. इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, मतलब दोनों के बीच का अगर हमने डिस्टेंस डबल कर दिया, ये एम वन एम टू एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है समझो पहले था आर, ये हमने कर दिया 2R, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा. इसको मैंने बोला F1, इसको बोला F2. ओके अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक वाला मेथड मत यूज कीजिए, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आपको करना है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है, F इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. अब देखो उसने किसको चेंज किया है, उसने बोला है कि फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हुआ है, डिस्टेंस चेंज हुआ है, बाकी मास उसने चेंज नहीं किया है. जी तो कांस्टेंट ही है, मतलब जी एम वन एम टू ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है. फिर रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर. एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, इससे फॉर्मूला बनाओ. मुझे क्या निकालना है, एफ टू निकालना है, एफ वन दिया है. ओके अब देखो F1 के साथ डिस्टेंस कितना है, R है, मतलब ये आएगा R का स्क्वायर, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ठीक है. एंड F2 के साथ जो डिस्टेंस है मैं उसको बोलता हूँ R2, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, इसका स्क्वायर आएगा ना, दोनों का स्क्वायर आएगा, बराबर है. F2 by F1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए F2 का R2 नीचे जाएगा, F1 का R1 ऊपर जाएगा. अब R1 क्या है,
आर वन आर है, आर टू क्या है टू आर है, इसका स्क्वायर करो, आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 1 बाय टू का स्क्वायर मतलब 1 बाय फोर आएगा, 1 बाय टू का स्क्वायर कितना है 1 बाय फोर। तो मुझे निकालना क्या है F2 निकालना है, तो F2 क्या आएगा F1 बाय फोर आएगा, F1 कितना है स्टूडेंट्स 1 है, 1 बाय फोर, 1 बाय फोर मतलब 0.25 न्यूटन, तो F2 उस हिसाब से कितना आया 0.25 न्यूटन। आप टेक्स्ट बुक का मेथड देख लो और ये मेथड देख लो, वहां पे अलग मेथड से दिया है, मैंने अलग मेथड से बताया आपको, ये शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड यूज करना है आप लोगों। ओके, सो व्हाट इज सेइंग, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, मास ऑफ सन इज गिवन, मास ऑफ अर्थ इज गिवन एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। अब देखो समझो, ये है सन, यहां पे है अर्थ, दोनों के मास दिया है, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया है, जिसको हम आर बोलेंगे, 1.5 इंटू 10 रेस टू 11 मीटर। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर होता है। ओके, मुझे यहां पे निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मुझे एफ फाइंड करना है, जी कांस्टेंट होता है, M1 मास ऑफ सन बोलेंगे हम इसको, मास ऑफ सन, M2 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब ये कैपिटल G जो होता है 6.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 11 होता है। देखिए कैपिटल G का वैल्यू हमने इससे पहले निकाला है 6.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 11, ये कांस्टेंट होता है, दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट भी हमने निकाला लास्ट लेक्चर। मास ऑफ सन कितना है, मास ऑफ सन है 1.99 इनटू 10 रेस टू 30, मास ऑफ अर्थ है 5.98 इनटू 10 रेस टू 24, मतलब सन बड़ा है। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर करो, 1.5 इंटू 10 रेस टू 11 का स्क्वायर। ओके, अब आप इसका डॉट कैलकुलेशन करो, अगर आपने डॉट कैलकुलेशन किया तो आपको डॉट आंसर मिलेगा, पर नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जनरली हम डॉट कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, पर आप इसका डॉट कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, यू विल गेट द डॉट आंसर, इसको अप्रोक्सीमेटली भी हम कर सकते हैं। देखिए ये 6.67 है, 6.67 इंटू इसको मैंने कर लिया 2, 1.99 को मैंने 2 लिख दिया, 5.98 को मैंने 6 लिख दिया, ओके, इनटू 10 रेस टू माइनस 11 जैसे कि वैसे, इनटू 10 रेस टू ये आएगा 54, डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर 2.25 इनटू 10 रेस टू 22, इसका स्क्वायर किया 2.25 इनटू 10 रेस टू 22। अब इसको सिंप्लीफाई करना और भी आसान हो गया, यू कैन सिंप्लीफाई एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर इन द रेंज ऑफ 3.5 इनटू 10 रेस टू 22 न्यूटन, इस रेंज में आपको आंसर मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली किया तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन आएगा 3.5 में, डॉट किया तो 3.5 इनटू 10 रेस टू 22 विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन।